हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कह दूं? नहीं, बस चलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हबीब लोधी, copy.pk के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रिंटर रिपेयरिंग के हवाले से ट्यूटोरियल एक सीरीज़ बनाएंगे, जिस सीरीज़ का आज पार्ट वन हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। हम इसमें आपको प्रिंटर रिपेयरिंग के बारे में बताएंगे और प्रिंटर की टेक्नोलॉजीज़ किस किस किस्म की मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको आप अपने कस्टमर को ईजिली समझा सकें कि प्रिंटर है क्या, प्रिंटर की टेक्नोलॉजी क्या है और किस टेक्नोलॉजी पे आप उसकी रिपेयरिंग करके दे रहे हैं और क्या आप उसको कैसी सर्विसेज दे रहे हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन पास कर सकें उस तक। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मेरी ये ट्यूटोरियल सीरीज़ उन लोगों के लिए है जो इस फील्ड को बिल्कुल नहीं जानते, अननोन बंदे हैं, जो काम शुरू करना चाहते हैं प्रिंटिंग का या रिपेयरिंग के हवाले से, जो चाहता है कि मैं ये काम सीखूं और अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, उनके लिए ये। और साथ साथ ये उन लोगों के लिए भी है जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, जिनको पता है इस फील्ड का, उनको यहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की तरफ। देखें, प्रिंटिंग में तीन टेक्नोलॉजी जो इस वक्त मार्केट के अंदर यूज़ हो रही हैं, उसमें तीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, थर्मल, इंकजेट और इसके अलावा लेज़र जेट। ये तीन टेक्नोलॉजी मार्केट में यूज़ हो रही हैं और इजीली अवेलेबल है। जब थर्मल प्रिंटर का आपके जहन में नाम आता है तो थर्मल प्रिंटर से मुराद होती है कि एक थर्मल पेपर है और उसका प्रिंटर है। वो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है वो है हीट प्रोड्यूस कर वो टेक्नोलॉजी उसके ज़रिए उस पेपर पर उस प्रिंटिंग को जो आपको रिक्वायर्ड है वो उसको ट्रांसफ़र करता है। नंबर टू, इसके पेपर साइज़ पर आते हैं। जो थर्मल में पेपर साइज़ यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं 2 इंच या 3 इंच का पेपर, जो कि हमारे ज़्यादातर रिसीट प्रिंटर और बिल प्रिंटर के तौर पर एज ए यूज़ हो रहा था शॉप्स पर, मुख्तलिफ शॉप्स पर यही प्रिंटर यूज़ हो रहा है। और यही पहले हम फैक्सों में यूज़ करते थे ये थर्मल पेपर, जो थर्मल फैक्स आती थी उसके अंदर ये पेपर यूज़ होता था। अगर इसकी सप्लाईज़ की बात करें तो इसकी सप्लाईज़ में सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होता है जो कि थर्मल पेपर कहलाता है और वो मुख्तलिफ ग्रामेज में और मुख्तलिफ साइज़ में मार्केट में अवेलेबल है इजीली। इसके अलावा इसकी रिपेयरिंग की बात करें तो इसकी रिपेयरिंग में ज़्यादातर जो है वो प्रिंटर हेड है जो कि रिप्लेस हो जाता है और चेंज हो जाता है, आप उसको रिप्लेस करें तो इसकी प्रॉब्लम, या इसमें फीड रोलर हैं जो कि रिप्लेस हो जाते हैं, या आप उसको साफ़ करें सर्विस करें तो वो आपको आपका प्रिंटर सही हो जाता है। फीड रोलर जो है वो इसकी पेपर को फीड करने में, पेपर को आगे पास करने में का काम करते हैं, पेपर को फीड करते हैं, प्रिंटिंग के बाद भी फीड करते हैं। एक इसके अंदर पिकअप रोलर होता है और एग्जिट रोलर होता है जो कि इसको आगे पेपर को एग्जिट करता है। इसके अंदर एक कटर होता है जो कि एंड में जाकर कटिंग कर सकते हैं। मैनुअल कटर भी आते हैं और ऑटो कटर भी आते हैं। इसमें थर्मल प्रिंटर में दो तरह के प्रिंटर आते हैं, एक मैनुअल कटर होता है और एक ऑटो कटर। नंबर टू पर आते हैं हम इंकजेट प्रिंटर पर। इंकजेट प्रिंटर बेसिकली जो काम कर रहा होता है वो आपका काम कर रहा होता है इंकजेट, जैसे कि आप नाम से पता लग रहा है, वाटर बेस्ड इंक होती है, ड्राई इंक होती है इसके अंदर, मुख्तलिफ पिगमेंट इंक और मुख्तलिफ इंक्स हैं जो इसमें यूज़ हो रही थी। नॉर्मली जो हमारे यूज़ हो रहा है वो डाई इंक यूज़ हो रही है, जो डाई इंक प्रिंटर में यूज़ होती है। डाई प्रिंटर जो बेसिकली कॉटेज इसके अंदर यूज होता है, और कॉटेज एक पेपर पर स्प्रे करता है और स्प्रे के जरिए जो है वो प्रिंटिंग पेपर पर ट्रांसफर हो जाती है। इंकजेट प्रिंटर इंक्स के बारे में अगर आप डिटेल लेना चाहते हैं तो मेरी ये ऊपर लिंक आ रहा है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। इंक पर मैंने मुकम्मल तफसीलन वीडियो एक बनाई हुई है, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर में प्लॉटर भी आता है, आप प्लॉटर जो हमारे यहाँ पर नक्शों के लिए यूज़ होता है वो प्लॉटर कहलाता है। प्लॉटर जो वाइट फॉर्मेट होता है 42 इंच तक, 44 इंच तक, बल्कि अब तो 60 इंच तक वो प्लॉटर आ गए। इंकजेट प्रिंटर कॉस्ट वाइज बहुत ही सस्ता है, नॉर्मली यूज़ में मतलब आपको मार्केट के अंदर 7,000 रुपये से लेकर 15,000, और मतलब इसमें मुख्तलिफ आप 4 इंक है, 6 कलर है, और इसके अलावा मुख्तलिफ 8 कलर में भी अवेलेबल है, ईजिली मार्केट में अवेलेबल है प्रिंटर। लेकिन ज़्यादातर जो होम यूजेज होता है या फिर किसी ऑफिस में यूज़ हो रहा है तो उसके लिए छोटे प्रिंटर ही यूज़ होते हैं। इसकी कॉस्ट तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये से लेकर और आपको तकरीबन 40,000-50,000 तक ईजिली मिल सकता है। इसकी सप्लाईज़ में आते हैं तो इसकी सप्लाईज़ में जो है वो फीड रोलर आ जाते हैं, फीड रोलर के बाद इसकी इंक कॉटेज आ जाती है। नॉर्मली यही चीज़ें इसकी जो है ना रिपेयरिंग के लिए होती हैं। इसके अलावा इसकी पावर जो है वो बहुत अच्छी, अगर आप UPS पे इसको चलाना चाहें तो इजीली आप चला सकते हैं। इसकी इंक की जो कॉस्ट है, नॉर्मली मार्केट के अंदर इजीली रिफिल इंक्स इजीली अवेलेबल हैं, उनकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 200 की एक बॉटल 100 ml की मिल जाती है आपको, या 300-400, बट इसमें अच्छी क्वालिटी की 500 तक आपको ईजिली मिल जाती है। हाँ, अगर आप इसको चाहते हैं कि मैं ब्रांड न्यू और ओरिजिनल सप्लाई लूँ तो वो तकरीबन 7,000-8,000 और उससे ऊपर जितनी प्राइस आप जाएगी वो आप मार्केट में आप पता कर सकते हैं। कलर क्वालिटी में या आप समझ लें कि इसके जो मीडिया हैं वो मुख्तलिफ हैं, आप प्लेन पेपर भी इसको निकाल सकते हैं, इंकजेट पेपर है, इसके अलावा आप इसको फोटो पेपर पे भी यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ कस्टम पेपर्स जो जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। कलर में इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट नहायत ही सस्ती पड़ती है। अगर आप इसकी स्पीड पर आते हैं तो इसकी स्पीड नॉर्मली जो है वो 4 पेज, 6 पेज, 8 पेज, लेकिन अब जो अवेलेबल है वो बड़ी अच्छी स्पीड में भी अवेलेबल है मार्केट में।
अगर आप इसकी प्राइस रिपेयरिंग पर आते हैं, रिपेयरिंग करवाने जब आप जाते हैं प्रिंटर या आप रिपेयर खुद करते हैं, तो इसको ज़्यादातर जो इसको यूज़ होती है रिपेयरिंग में चीज़ें वो आपकी है इसके हेड की क्लीनिंग। हेड की क्लीनिंग इसमें ज़्यादातर यूज़ होती है, और उसमें आप उसको क्लीन कीजिए हेड को, उसके नीचे जो सर्विस स्टेशन होता है उसको आप क्लीन कीजिए, तो ये प्रिंटर उसकी रिपेयरिंग में ये चीज़ें आती हैं। नंबर तीन पर आते हैं हम। नंबर तीन पर है लेज़र प्रिंटर, जिसकी रिपेयरिंग हमने आपको सिखानी है। इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले आते हैं हम इसकी प्रिंटर कॉस्ट पर। प्रिंटर कॉस्ट नॉर्मली इसकी जो मिनिमम है जो पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल है वो तकरीबन 25,000 से लेकर अबव आपको, डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। लेज़र प्रिंटर में आते हैं तो लेज़र प्रिंटर आपको A4 साइज़ से लेकर A0 साइज़ तक अवेलेबल है मार्केट में। जो आपका A4 साइज़ प्रिंटर है जो कि होम यूज़ और ऑफिस यूज़ होता है, वो तकरीबन आपकी कॉस्ट 25,000 से स्टार्ट होती है, और मुख्तलिफ उसमें प्राइजेज़ आ जाती हैं जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। प्रिंटर के ब्रांड जो हैं मुख्तलिफ हैं, इसमें आपको पता है कि HP सबसे ज़्यादा फेमस है मार्केट के अंदर। HP है, सैमसंग है, डेल है, एप्सन है, ये सारे प्रिंटर लेज़र प्रिंटर में भी आते हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी आते हैं, तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो ऑर्डर बेस है। ऑर्डर के जरिए एक इमेज बनता है और वो ट्रांसफर होता है पेपर के ऊपर। ये रिपेयरिंग में हम आपको साथ साथ जो है कॉपी प्रोसेसिंग इसका बताएंगे, किस तरीके से प्रिंटिंग प्रोसेस है इसका, वो आप हमारी वीडियो देखते रहिएगा। आगे प्रिंटर में जो सप्लाईज की जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले इसका टोनर कार्ट्रिज है, जिसके अंदर ड्रम भी है, ब्लेड भी है, और इसके अलावा टोनर भी है, ऑर्डर भी उसके अंदर है। ये एक बॉक्स है, कॉटेज है, जो कि आपको प्रिंटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं और अपनी प्रिंटिंग करते हैं। अब आते हैं इसके पेपर साइज़ पर। पेपर साइज़ आपको A4 से लेकर और A0 साइज़ तक आप इस पर प्रिंटिंग कर सकते हैं। क्योंकि आप मार्केट के अंदर A4 साइज़ प्रिंटर भी, लीगल साइज़ प्रिंटर भी, A3 साइज़ प्रिंटर भी अवेलेबल हैं, और A0 साइज़ भी जो कि वाइड फॉर्मेट कहलाते हैं 36 इंच तक ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। प्रिंटर में रिपेयरिंग की अगर बात करते हैं हम, तो प्रिंटर में रिपेयरिंग आपके ज़्यादातर आ जाती है फीड असम्बली आ जाती है, जो कि पेपर फीडिंग में प्रॉब्लम करती हैं, वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। पेपर फीड रूलर चेंज हो सकते हैं, फ्रैक्शन पैड है वो आप यूज़ कर सकते, उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके जहाँ पर आप प्रिंटिंग, जहाँ से प्रिंटिंग ट्रांसफ़र होती है पेपर के ऊपर, वहाँ पर टोनर कॉटेज है, उसमें कोई रिपेयरिंग निकलती है वो आप देख सकते हैं। वो इसके अलावा जब नेक्स्ट जो है वो आपका फ्यूज़र असेंबली है, फ्यूज़र असेंबली से जब पेपर पास होता है वहाँ पर जिस चीज़ की रिपेयरिंग की ज़रूरत है वो आपको बताएंगे। बोर्ड्स के बारे में बताएंगे आपको कि कौन सा बोर्ड किस तरह का होता है और क्या क्या काम करता है। मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, आप बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब जहाँ इसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं तो फिर ये क्यों हम प्रिंटर, ये वाला प्रिंटर क्यों लें, ये वाला प्रिंटर क्यों इस्तेमाल करें जहाँ पर इतनी सारी रिपेयरिंग की आ जाती हैं। इस प्रिंटर की लाइफ ज़्यादा है, इसका मंथली साइकिल बहुत अच्छा है, इस प्रिंटर के पार्ट्स सस्ते होते हैं। जहाँ आपने एक जन प्रिंटर में एक हेड चेंज करने के काफ़ी कॉस्ट आएगी, वहाँ पर आप इसके छोटे छोटे पार्ट्स चेंज करके आप इसको चला सकते हैं इजीली। दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप मेरी वीडियो से बोर हो रहे होंगे, लेकिन असल में जब आप रिपेयरिंग का काम शुरू करने लगते हैं प्रिंटर का, तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। मैंने इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ताकि आपको जो काम आप करने लगें आपको उसकी बेस पता हो कि मैंने करना क्या है, इसको स्टार्ट कैसे करना है। आपसे कोई भी क्वेश्चन करें तो आप उसको, आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। जी तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म की copy.pk की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और copy.pk से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी अभी, चल ठीक है शुरू करें। उसे जो बैठा हुआ है ना बाहर, उसको कहना यार आप कोई अंदर ना आए, सारा जो है ना वो तोड़ देते नहीं बनता, फिर बड़ी मुश्किल हो जाए।